मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा। चौथे चरण में झारखंड के खूंटी, लोहरदगा, जमशेदपुर और पलामू लोकसभा सीट के लिए 13 मई को मतदान होगा। पांचवे, छठे और सातवें चरण के लिए भी झारखंड लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने इसकी आधिकारिक सूचना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। इसके अनुसार देश में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव किए जाएंगे। झारखंड में चौथे चरण से मतदान शुरू होगा। चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होंगे। पहले फेज में झारखंड में 13 मई को सिंहभूम, खूंटी, पलामू, लोहरदगा में मतदान होगा, जबकि दूसरे फेज में 20 मई को चतरा, कोडरमा और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। तीसरे चरण के तहत 25 मई को गिरिडीह, रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मतदान होगा। वहीं चौथे फेज में जब अंतिम चरण का चुनाव होगा उसमें 1 जून को राजमहल, गोड्डा और दुमका में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं गांडे में 20 मई को विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं और चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों में हलचल देखी जा रही है। जिस तरह की हलचल यहां पे नज़र आ रही है उससे राजनीति पूरी तरह से गर्माता हुआ नज़र आ रहा है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने यह घोषणा की है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन झारखंड में लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। हालांकि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। वहीं कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन कोई भी एक व्यक्ति दुमका लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी होगा। सिंहभूम के इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी दावेदारी कर रहा है और सिंहभूम के इलाके में के साथ ही खूंटी, लोहरदगा, राजमहल, दुमका ये अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। पलामू आरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए, जहां अभी तक प्रत्याशियों का फैसला महागठबंधन की ओर से अब तक नहीं हो सका है। हालांकि चुनाव आयोग के घोषणा के साथ ही अब राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता के तहत अब सरकारी कामकाज को लेकर कई तरह के रेस्ट्रिक्शन होंगे, जिसमें घोषणाएं, शिलान्यास और उद्घाटन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। वहीं चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों पर भी चुनाव आयोग पूरी तरह से नज़र रखेगा। अब झारखंड की राजनीति में निश्चित रूप से यहाँ पर NDA बढ़त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण साफ है कि चुनाव आयोग के घोषणा के पहले ही NDA की ओर से लगभग 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में महागठबंधन के प्रत्याशियों की सूची अब तक विचार विमर्श वाली स्थिति में ही चल रही है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए देश तो तैयार हो ही गया है, अब झारखंड भी तैयार होने की स्थिति में है। हालांकि अभी 1 महीने से अधिक का समय झारखंड में मतदान के लिए है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों को पूरा समय मिलेगा कि वो पूरी तरह से अपनी रणनीति को कायम कर सकें और रणनीति बनाकर चुनाव में जीत दर्ज कर सके। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ
संघर्ष की दास्तान।